में बाम हिला दो ना। ला। रहने दो, मैं लगा देता हूँ। चलो अच्छा है कि तुम्हें कहीं सर पर चोट नहीं आई। दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है राहुल। इतनी देर कर दी। नमस्ते मैम। नमस्ते। साहब ने आपको जल्दी रेडी होने के लिए कहा है, क्योंकि आज का लोकेशन थोड़ी दूर है। अच्छा। हाँ मैम। फिर तो मैं तैयार होती हूँ। जानती हो ये कौन है? आर के सर का बेटा है। मुझे पता है। आज तुम्हारी सुबह सुबह शूटिंग है। वो आज लोकेशन थोड़ा सा दूर है, इसलिए मुझे निकलना होगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। सुप्रिया कहाँ है? सुप्रिया जी अंदर है साहब। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ? मैं तुम्हारे घर गया था, वहाँ से पता चला कि तुम यहाँ शूटिंग कर रही हो। कितने सालों के बाद आपको देख रही हूँ। मैं जब भी यहाँ आती हूँ आपके बारे में पूछती हूँ, लेकिन मुझे काफी लोगों ने बताया कि आपने यहाँ से अपना घर शिफ्ट कर दिया है। आइए ना, बैठिए बैठिए। जिसका खुद का घर नहीं होता उसे इधर उधर भटकना ही पड़ता है। सर आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, हाँ बस थोड़े से मोटे जरूर हो गए हैं। तुम्हारी हिंदी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। सब आपकी वजह से हुआ है सर। बैठिए। सर क्या खास चल रहा है आजकल? ऐसा खास तो कुछ नहीं है, एक लंबे गैप के बाद एक छोटी फिल्म बना रहा हूँ। छोटी सी फिल्म? मतलब बच्चों की फिल्म है क्या? उसमें मेरे लिए कोई काम नहीं है? इतनी बड़ी स्टार हो गई हो तुम, लेकिन तुम्हारा बचपन अभी तक नहीं गया। सर मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, ऐसे कैसे बदल सकती हूँ? मैं जो छोटे बजट की मूवी बनाने जा रहा हूँ उसमें तुम्हारे जैसा कोई बड़ा स्टार नहीं है, बहुत ही लो बजट फिल्म है। मतलब अवार्ड के लिए बना रहे हैं सर? सर मैं आपकी फिल्म में काम करने के लिए किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं लूंगी, बस एक अवार्ड मिल जाए तो। वो घर तुमने खरीद लिया क्या? नहीं सर, वो आरके का घर है। आरके रामकुमार, मैं उन्हें जानता हूँ। तुम्हारे जैसी इनोसेंट लड़कियों के लिए खतरा है वो। उसकी एक बीवी और एक जवान लड़का है, ये तुम्हें पता नहीं था?
तुम जवाब नहीं देना चाहती तो छोड़ दो, हम काम की ही बात करते हैं। कभी दो वक्त का खाना नहीं मिलता था और ऐसे में आज अचानक मैं इतनी पॉपुलर हो चुकी हूँ, आर्टिस्ट बन गई हूँ सब आपकी वजह से। सर मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाना चाहती, एक छोटी से इंसिडेंट की वजह से हम दोनों में दोस्ती हुई। मेरे अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इस सुप्रिया को आपने एक मामूली लड़की से उठाकर इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। सच कहूं मुझे खुद ही नहीं पता कि आरके साथ रिश्ता कैसे जुड़ा, ये सब किस्मत का खेल है। वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि ये सब हो गया। वो शादीशुदा है या कुंवारा है मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि लोग क्या कहेंगे, कोई सोचेगा कि मैं उनका फायदा उठा रही हूँ। हमारे दिल एक दूसरे से जुड़ गए और हम दोनों एक हो गए। आरकी की बीवी है, एक जवान बेटा है, ये बात उन्होंने पहले नहीं बताई, ये तो मुझे 2 साल के बाद पता चला, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी गलती मान ली। सच्चाई सामने आने के बाद वो मेरे गुनहगार बने, आरके से फिर भी मैं अपनी नजरें नहीं चुरा पा रही थी। मैं हिसाब किताब में बहुत कच्ची हूँ, मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है, मैं तो सब कुछ अपनी किस्मत पे छोड़ती हूँ। मजबूरी के हिसाब से तुम्हारा सोचना ठीक है, लेकिन एक सवाल पूछूं तुमसे, तुमने इतनी सारी फिल्मों में काम किया फिर भी क्या है तुम्हारे पास? खुद का एक घर है, कार, बैंक बैलेंस? नथिंग। ये फिल्म लाइन है, कल तुम्हारा मार्केट डाउन हो जाएगा, ये ग्लैमर साथ छोड़ देगा, तब तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, ये आरके भी नहीं। मैंने ये तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहा, मैं दुआ करता हूं ऐसा कभी ना हो। कम से कम अब तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। हाँ, मुझे कौन सी डेट चाहिए 2-4 दिनों के अंदर तुम्हें बता दूंगा। ठीक है सर, मुझे 10 दिन पहले बता दीजिएगा, सुप्रिया वहां हाजिर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सुप्रिया, चेन्नई से किसी फिल्म प्रोड्यूसर का फोन आया था क्या? नहीं, डायरेक्टर के आने के बाद मुझसे कांटेक्ट करेंगे ऐसा कहा उन्होंने। तमिल में तुम्हारी फर्स्ट एंट्री है, स्टोरी डिटेल सुनने के बाद ही कमिट करना। तुमने अभी कहा ना 2 हीरोइन वाला सब्जेक्ट, तो मेरे ख्याल से ऐसी फिल्म करना तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सिनॉप्सिस पहले भेज देंगे, कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा तो मना कर दूंगी। अब मुझे इंट्रोड्यूस करने वाले डायरेक्टर विक्टर सर आज मुझसे मिलने आए थे, कह रहे थे कि वो एक नई फिल्म बना रहे हैं। क्या वो तुम्हारे डेट्स के लिए आए थे? जी हाँ सर, एक लंबे गैप के बाद एक फिल्म बना रहे हैं, मैंने कह दिया कि मैं काम करूंगी। अरे बिना मतलब ऑफर देने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, वैसा करने की कोई जरूरत नहीं, अगर उनसे तुम्हें हमदर्दी जतानी ही है तो तुम अपने अमाउंट पे जरा डिस्काउंट दे देना। पर मैंने सर से वादा कर दिया है। यही है तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अरे यही सही वक्त है तुम्हें अपनी डिमांड और बढ़ाने का, तुम्हारे कितने सारे चेक्स बाउंस होकर यहाँ पड़े हुए हैं, तुम में जरा भी अकल नहीं है। शूटिंग खत्म होते ही बैलेंस अमाउंट कैश में ले लेना, ये बात मैंने तुम्हें कितनी बार समझाई है, लेकिन तुम सेंटीमेंट्स में बह जाती हो, अमाउंट वसूलने के बारे में तुम अभी तक प्रोफेशनल नहीं हुई। राम कुमार जी हैं क्या? नहीं, मैडम है। उनको बुलाइए। ठीक है।
मैडम साहब से मिलने कोई आए हैं, वो लोग बाहर रुके हैं। आप कौन? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, वी आर कमिंग फ्रॉम यूनियन बैंक। राम कुमार जी हैं क्या? वो तो यहाँ नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन है, उनसे कुछ काम था। मैडम बैंक से लोन लिए उन्हें 6 महीने से ज्यादा हुए हैं, अब तक उन्होंने एक भी किस्त नहीं भरी, ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया है। अगर और लेट हुए तो हमें ये घर सील करना पड़ेगा। इसलिए उनके आते ही बैंक मैनेजर से मिलने के लिए कहिएगा। हम चलते हैं मैडम। ओके, सॉरी फॉर ट्रबल। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं? आज यहाँ यूनियन बैंक से तुमसे मिलने 3-4 लोग आए थे। रिमाइंडर के बाद भी तुमने किसी तरह का रिस्पांस नहीं दिया, इसीलिए मुझसे कहकर गए हैं कि तुम्हारे आते ही मैं तुम्हें उनके पास भेज दूं। ओ उन लोगों को और कुछ काम ही नहीं है, अरे ये बैंक वाले लोग भी ना। इस घर और ऑफिस को गिरवी रखकर लोन क्यों लिया तुमने? तुम्हें क्या पता, बिना सिक्योरिटी के कोई भी बैंक किसी को लोन नहीं देती। अरे सारे बिजनेसमैन लोन लेते हैं। मेरे अकाउंट का सारा पैसा विड्रॉ कर चुके हो तुम, ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है आरके। मेरे नाम पर एक घर तक नहीं है यहाँ पर। घर? तुम्हें दूसरे घर की क्या जरूरत, यह घर भी तो तुम्हारा ही है ना। और भी कुछ गिरवी रख सकते थे ना, यही क्यों? आर के बताओ, मैं तुमसे बात कर रही हूं। अचानक तुम्हारा ये सब सोचने की वजह क्या है? तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें कौन भर रहा है? तुम जैसा सोच रही हो वैसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक का सारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लूंगा, उसके बारे में तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ए कम ऑन, कल मैं अपने गांव जा रहा हूं और 3-4 दिनों के अंदर ही लौट आऊंगा। सुप्रिया, I'm राहुल। बोलो राहुल। सुप्रिया तुमसे मिलने का मेरा बहुत दिल कर रहा है। आज शूटिंग नहीं है? आज मेरी शूटिंग दोपहर के बाद है। It's fine। उससे पहले हम दोनों एक बार मिल सकते हैं? तुम्हारी बहुत याद आ रही है सुप्रिया। मंडे से कॉलेज चालू हो रहा है, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों, जाना तो पड़ेगा ही। I can't concentrate on anything, even in my studies. I have only Supriya in my mind. राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? ये पढ़ाई का वक्त है, इस तरह के ख्याल अपने दिल से निकाल दो राहुल। पढ़ाई पर ध्यान दो, अगर इस तरह की बातें सोचते रहोगे तो तुम्हारा फ्यूचर जरूर खराब हो जाएगा। मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ तुम ही हो सुप्रिया, अब ये बात मैं अपने दिल में नहीं दबा कर रख सकता। I need you. I love you, Supriya. राहुल, अगर दोबारा तुमने मुझसे इस तरह की बातें की ना तो मैं तुम्हारे डैड से कह दूंगी। मैंने तुमसे अच्छे से बात ही क्या कर ली, तुमने तो उसका उल्टा ही मतलब निकाल लिया। अब कभी मुझे फोन मत करना। सुप्रिया, सुप्रिया, सुप्रिया।
तुमने यहाँ तुरंत आने के लिए मुझे फोन क्यों किया? बेटे की हरकतें बताने के लिए। हाँ, ये बात तो मुझे फोन पर भी बता सकती थी। अगर छोटी बात होती तो फोन पर बता देती। वो पूरा एक हफ्ता कोयम्बतूर में था और आज लौट कर आया है, वो भी तुम आ रहे हो ये पता चलने के बाद। वो इतने दिनों तक वहाँ कर क्या रहा था? तुम खुद ही जाकर जरा उसके कमरे को देख कर आओ, तुम खुद ब खुद सब समझ जाओगे। पूरे कमरे में एक्ट्रेस सुप्रिया की तस्वीरों को चिपका के रखा है। जब मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या नौटंकी है, तो मुझसे कहा मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, मिक्सर हूँ। पहले जब वो शूटिंग देखने के लिए जाया करता था तो दूसरे दिन ही लौट आता था। जैसा बाप वैसा बेटा। तुम्हें क्या जरूरत थी अपना बंगला उस एक्ट्रेस को भाड़े पे देने की? इसी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। ये फिल्मों की हीरोइने ऐसे ही पैसे वालों को फंसाती है, उसके चक्कर में हमारा बेटा भी फंस गया है। अभी गौर नहीं किया तो। ठीक है, मैं जाकर उससे बात करता हूँ, तुम चाय लेकर आओ। पार्वती है क्या? हाँ है ना, बुलाऊं के सर? हाँ, पार्वती, मैं आरके। नमस्ते, क्या बात है साहब? वो ईरा घाट के लोकेशन पर सुप्रिया से मिलने के लिए मेरा बेटा राहुल आया था क्या? हाँ आए थे साहब। उस दिन क्या वो सुप्रिया के कमरे में ठहरा था? वो क्या है ना, मैं उसे मैं सब जान चुका हूँ, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सच्चाई बताओ। वो शाम को आए थे और रात भर यही रुके थे। सुबह जब मैं कमरे में गई तभी वो वहीं पर थे। उसके बाद वो कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ठीक है साहब, जो बात मैंने आपको बताई है वो बात आप मैडम को मत बताना। पूजा के दिन मैं नहीं आ सकती सर, उस दिन मेरी एक नई फिल्म की शूटिंग है। शूटिंग का पहला दिन है और मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। या ओ नो 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 प्रॉब्लम हीरो।